की सबसे बड़ी फिल्म जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसे 16 जून को सिनेमा घरों में रिलीज कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं फिल्म आदि पुरुष की। फिल्म के ट्रेलर और एडवांस बुकिंग की बात की जाए तो फैंस में इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला। ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही दर्शकों को फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थी, क्योंकि रामानंद सागर की रामायण के बाद भगवान श्री राम के जीवन पर पहली ऐसी फिल्म थी जिसे लेकर दर्शक काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होते ही फैंस का इंतजार तो खत्म हो गया, पर फिल्म के निर्माताओं को फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ा। फिल्म का रिलीज होने के बाद जैसे ही रिव्यू सामने आने लगे, फिल्म पर विवाद शुरू हो गया। बता दें कि ये विवाद फिल्म के डायलॉग्स और कलाकारों के लुक्स को लेकर शुरू हुआ है। सोशल मीडिया पर दर्शक फिल्म के डायलॉग्स को लेकर राइटर मनोज मुंतशिर को ट्रोल कर रहे हैं, साथ ही डायरेक्टर पर भी निशाना साधा जा रहा है। फैंस के मुताबिक फिल्म के डायलॉग में रामायण जैसी शालीनता और सभ्य के बजाय अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसे लेकर दर्शकों में खासी नाराजगी। आपको बता दें कि फिल्म में भगवान हनुमान द्वारा बोला गया डायलॉग "कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप" बहुत ही आपत्तिजनक साबित हो रहा है। वहीं दूसरी और कुछ और डायलॉग जैसे "तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चलाया, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है" इन डायलॉग्स के ट्विटर पर ट्रेंड होते ही फिल्म का जमकर विरोध किया जा रहा है। जाहिर है कि जो विवाद फिल्म की रिलीज से पहले हुआ था, वही विवाद अब फिल्म के रिलीज के बाद होने लगा। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर बायकॉट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बायकॉट कर रहे लोगों का कहना है कि रामायण की कहानी त्रेता युग की है और इसे एक डायरेक्टर ने कलयुग का बना दिया। फिल्म में रामायण को मॉडर्न तरीके से दिखाया गया है, जो इस ऐतिहासिक पौराणिक कथा की मर्यादा का अपमान है। वहीं इस फिल्म का नेपाल में भी काफी विरोध किया जा रहा है। दरअसल फिल्म में माता सीता के जन्म स्थान को लेकर नेपाल का गुस्सा फूटा है। फिल्म में माता सीता को भारत की बेटी बताया गया है, लेकिन रामायण के मुताबिक माँ सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। माता सीता के जन्म स्थान को लेकर काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेन शाह ने एक ट्वीट कर आदि पुरुष के मेकर्स को धमकाया। साथ ही उन्होंने कहा, अगर फिल्म से माँ सीता के जन्म स्थान के बारे में दी गई गलत जानकारी को नहीं हटाया गया तो वह नेपाल की राजधानी में किसी भी भारतीय फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे। वहीं इस बीच विवादों में फंसे मनोज मुंतशिर ने इंटरव्यू में बयान दिया कि सोच समझ और जानबूझकर ही ये डायलॉग लिखे हैं। साथ ही मनोज ने आगे कहा कि वह बचपन से ही रामायण सुनते आ रहे हैं और इस देश के बड़े बड़े संत, बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा उन्होंने लिखा है। वह पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इस तरह के डायलॉग लिखे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज के जनरेशन को ध्यान में रखकर डायलॉग्स लिखे गए हैं ताकि वे फिल्म से कनेक्ट हो सके। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।